हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीवी कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ हाउ टू रीड मेजर टेप। दोस्तों आपको पता ही होगा कि मेजर टेप का जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन साइट पे या फिर कोई भी अगर मेजरमेंट करना हो, फर्नीचर इंटीरियर डिजाइनिंग का वर्क हो, कुछ भी अगर मेजर करना हो तो मेजर टेप का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो एक इंजीनियरिंग फील्ड में अगर आप हो तो आपको मेजर टेप का यूज़ करना तो ज़रूर आना चाहिए। और ऐसे भी जनरल भी दोस्तों अगर आप कोई वर्क करते हो राइट, तो आपको एक मेजरिंग टेप जो है वो कैसे रीड करते हैं वो ज़रूर आपको पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं जो है ये मेजर टेप को कैसे रीड करते हैं राइट, पूरी डिटेल आपको बताऊंगा वन बाय वन, सारे जो मेजरमेंट है राइट वो कैसे रीड करते हैं वो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो ये है दोस्तों मेजर टेप राइट, इससे इसका मैं इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पे टॉप में आपको जो है जो कंपनी के मेजर टेप है वो आपको देखने को मिल जाएगी। फ्लेक्सो गोल्ड जो है ये मेजर टेप का नेम है राइट, ये मैं किसी टेप का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ बट ये जो है कंपनी का नाम होता है। नीचे आप देखिए 3.0 m लिखा है, m फॉर मीटर राइट, m फॉर क्या होता है मीटर होता है, तो 3 मीटर की ये टेप है। उसके बाद बगल में आप देखिए छोटे से क्या लिखा गया है 16 mm आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए 16 mm लिखा गया है, तो ये 16 mm क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये 16 mm क्या है, ये जो टेप होता है राइट, इसकी वीथ होती है, ये वाली जो वीथ है वो 16 mm की है राइट। टोटल आप मेजरमेंट ले सकते हो, ये जो टेप है इससे आप 3 मीटर तक का मेजरमेंट ले सकते हो राइट। तो ये है मेजर टेप का बाहरी जो है वो। अब अंदर की साइड हम चलेंगे कि अंदर की तरफ आपको कैसे रीडिंग आप ले सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए ये जो मेजर टेप होती है इसके अंदर देखिए इस तरह से होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए ये मेजर टेप है, यहाँ पे देखिए मेड इन इंडिया है और देखिए यहाँ पे 2 डिवीज़न है। नीचे की तरफ जो डिवीज़न आपको देखने को मिल रहे हैं ये हो गए सेंटीमीटर में राइट, ये क्या है सेंटीमीटर वाले डिवीज़न है और ऊपर की तरफ क्या है इंच वाला है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि नीचे की तरफ जो है राइट, नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये जो पोर्शन है राइट, ये क्या है सेंटीमीटर वाले पोर्शन है, ये सेंटीमीटर है, ऊपर है हमारा इंचिस राइट, ऊपर के सारे जो यूनिट है वो इंचिस वाले है, ये आपको ध्यान रखना है ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए सेंटीमीटर में है और देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है यहाँ से राइट, इससे यहाँ से आपको मापना है, ये जो टॉप है यहाँ से आपको मापना है। और कैसे मापना है वो मैं वीडियो के एंड में भी आपको बताऊंगा, एक मेजरमेंट लेके बताऊंगा कि कैसे हमें ये जो टेप है इसका यूज़ करके मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पे नीचे की साइड आपको देखिए यहाँ पे 1 है जो दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9 और 10 है रेड कलर में, ठीक है। तो ये 1 क्या इंडिकेट करता है, 1 सेंटीमीटर, 1 क्या इंडिकेट करेगा 1 सेंटीमीटर, 2 क्या इंडिकेट करेगा 2 सेंटीमीटर राइट, इसी तरह से 10 क्या इंडिकेट करेगा 10 सेंटीमीटर, 11 क्या इंडिकेट करेगा 11 सेंटीमीटर राइट। तो इस तरह से ये जो है नीचे वाले रीडिंग जो है वो सेंटीमीटर में है राइट। तो इस तरह से हम सेंटीमीटर का रीडिंग ले सकते हैं, देखिए ये 10, फिर इसके बाद फिर से 1, 2, 3, 10 के बाद 1 मतलब 11, 12, 13, 14 सेंटीमीटर राइट, उसके बाद 20 मतलब 20 सेंटीमीटर, 21, 22, 23 राइट, इस तरह से हमें 22 नहीं लिखा होगा पर 20 होने के बाद 21, 22, 23 आपको काउंट करना पड़ेगा ठीक है। ये 29 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर राइट, इस तरह से अलग अलग दोस्तों आगे तक आपको देखने को मिल जाएगा। 3 मीटर की टेप है मतलब करीबन आप पकड़ लीजिए ये आपको 300 सेंटीमीटर तक का रीडिंग होगा, क्योंकि देखिए 1 मीटर जो है राइट, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर होता है राइट, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये जो टेप होगी ये कितने मीटर की है, ये 3 मीटर की टेप है, मतलब 300 सेंटीमीटर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे ये जो टेप है इसके ऊपर राइट। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब ये जो टेप है राइट, इसके अंदर आपको नीचे की जो रीडिंग है वो कैसे रीड करने वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये तो हो गया सेंटीमीटर, आप पढ़ लोगे कि भाई ये 10 है, 10 के बाद 11, 12, 13 इस तरह से आगे आने वाला है ओके। बट इसके अंदर भी और 200 डिवीज़न बने हुए हैं राइट, इसके अंदर भी आप देखोगे तो डिवीजन्स देखिए बने हुए हैं, देखिए 1 को छोड़ देते, 2 और 3 के बीच में 10 डिवीज़न है, 10 पार्ट पड़े हुए राइट। तो ये जो एक पार्ट है
वो एमएम का है, मतलब ये आपको जैसे पता ही होगा कि एक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, बराबर एक सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 10 mm होता है। तो यहाँ पे देखिए 20 के बाद क्या आएगा, फिर ये 20 मतलब 10 सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर बराबर 10 mm, तो ये एक मतलब 10 mm, ये 20 mm, ये 30 mm, ये 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100 mm, राइट। ये 10 आएगा तो क्या आ जाएगा हमारा 100 mm, 10 मतलब 10 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 100 mm, राइट। इस तरह से है, तो आप देख सकते हैं कि तो यहाँ पे देखिए दो सेंटीमीटर बराबर बी कितना हो गया 20, दो सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया 20 mm हो गया। और उसके बाद अगर ये एक कापा मतलब कितना हुआ 21 mm, 22, 23 और ये पांचवा कापा हुआ तो 25, अगर 5 लाइन से उसके बाद 5 लाइन है तो कितना हो जाएगा 25 mm हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से दिखना है, मतलब अभी देखिए ये टोटल आपको करना है 3 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा। देखिए सिंपल आपको कन्वर्शन अगर करना है तो आपको पता होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm है, अगर 3 सेंटीमीटर है तो कितना हो जाएगा 30 mm होगा। कैसे होगा, मल्टीप्लाइड बाय 10 करने के बाद, राइट। तो ये 30 mm है, ये 40 है, ये 50 है, 50 के बाद अगर 1, 2, 3 का लाइन्स आती है तो कितना हो जाएगा 50 mm, और 50 और ये 3 है मतलब 53, 4 है तो 54, ये 55, ये 9 है तो 59 और 60 पाएगा तो 60 सेंटीमीटर मतलब 6 सेंटीमीटर, 60 mm मतलब 6 सेंटीमीटर, राइट। इस तरह से नीचे वाला जो पोर्शन है वो हमें रीड करना है। आगे तक जाओगे तो देखिए यहाँ पे 10 है मतलब 100 mm और 105 और ये 101 mm, 102 mm, 130 mm, राइट, 104, 105, राइट। उसके बाद आगे जाओगे तो 200 mm तक आएगा, ठीक है। तो ये कितना है 200, तो ये रीडिंग कितनी है 200 mm है, राइट, 200 mm। उसके बाद ये कितना 201, 202, 203 mm आ गया, राइट। अगर ये यहाँ पे कहीं पे आता है, ये यहाँ पे कहीं पे आता है तो ये कितना रीडिंग होगा 201, 202 और कितना है ये 202 और 5, राइट, मतलब 225, राइट, 225। ये देखिए 210, ये 220, राइट। तो ये हो गया 225, राइट। ये 10 mm का एक पार्ट है, राइट। ये 200 mm हो गया, 210, 20, 30 और ये 25 पे आया था इसके 225, राइट। इस तरह से हमें रीडिंग लेना है। और एक रीडिंग मैं आपको लेके बता देता हूँ, अगर आपको समझ आए तो आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये 300 mm हो गया, ये कितना हो गया 300 mm, ये 310 mm हो गया, ये 320 हो गया, यहाँ पे कहीं पे कुछ आया तो यहाँ पे कितना होगा ये 330 प्लस 5 mm है तो 335 mm हो गया, राइट। इस तरह से हमें ये जो टेप है ये रीड करनी है, राइट। ये mm वाला जो पार्ट है आप देख सकते हैं, जो 10 है मतलब 10 मतलब 100 mm, 20 है मतलब 200 mm, राइट, 20 सेंटीमीटर बराबर 200 mm, 30 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा 300 mm, राइट। इस तरह से आगे बढ़ते जाओगे तो जब दोस्तों 100 कंप्लीट होगा, 100 सेंटीमीटर या 1000 mm कंप्लीट होगा तब हमारा 1 मीटर आ जाएगा। तो ये जो है हमारा क्या है 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर मैंने क्या लिखा था, ठीक है, 100 सेंटीमीटर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, राइट। 100 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा 1 मीटर के बराबर, और ये 100 सेंटीमीटर पर कितना होगा 1000 mm के बराबर होगा, राइट। इस तरह से हमें रीडिंग करना है, ठीक है। तो ये पोर्शन हो गया हमारा, कौन सा पोर्शन हो गया, ये नीचे वाला जो पोर्शन था हमारा वो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा जो पोर्शन है वो हम कंप्लीट करेंगे, दूसरा कौन सा पोर्शन है हमारा टॉप साइड वाला जो पोर्शन है उसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। टॉप साइड वाला पोर्शन कौन सा है, ठीक है, चलो ये हो गया नीचे वाला पोर्शन। अब ऊपर की साइड भी आपको देखने को मिलेगा कुछ मार्किंग है, जो जैसे मैंने बताया था कि ऊपर क्या है हमारा इंचिस वाला पोर्शन है। तो यहाँ पे देखिए 1 मतलब 1 इंच, ये 2 इंच, राइट। यहाँ पे 1 दिखेगा मतलब ये क्या है 1 इंच है, 2 है तो मतलब 2 इंच, राइट। उसी तरह से 3, 4, 5 ऐसे इंच में आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। आगे आप बढ़ोगे 4, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच है यहाँ पे,
10 इंच आपको देखने को मिल जाएगा, 11 और 12 इंच की जगह क्या आ गया डायरेक्टली 1 इंच आ गया, ठीक है, 1 आ गया। मतलब कि यहाँ पे 1 क्यों लिखा गया है, 12 इंच क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 फीट कंप्लीट होगा, तो 1 फीट बराबर क्या होता है 12 इंच होता है, राइट, 1 फीट बराबर क्या होता है 12 इंच होता है, इसलिए यहाँ पे 12 इंच जगह 1 फीट लिख दिया है। उसी तरह से आगे आप बढ़ते जाओगे 13 इंच 14 इंच 15 इंच 16 इंच 17 इंच 18 इंच 19 20 21 इंच 22 इंच 23 और 24 इंच नहीं लिखा गया, क्योंकि यहाँ पे 2 फीट कंप्लीट होता है, क्योंकि 2 फीट बराबर कितना होता है 24 इंच होता है, राइट, इसके लिए यहाँ पे 2 फीट लिख दिया है। उसी तरह से आगे बढ़ोगे तो 36 पे क्या आएगा 3 फीट लिखा हुआ आएगा, तो यहाँ पे 3 फीट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम क्या करना है, फीट वाला जो रीडिंग है वो रीड करना है, ठीक है। अब ये तो हो गया, ऊपर वाला जो रीडिंग है वो इंच में है, ठीक है। अब हम लोग रीड करेंगे कि अंदर वाला जो पार्ट है, राइट, अंदर वाले जो पार्ट है, ये तो इंच में हमने पता चल गया कि हम इसको 1 इंच बोलेंगे, इसको 2 इंच बोलेंगे, ठीक है। बट अगर कहीं पे अंदर की साइड कुछ आ गया, अंदर की साइड मतलब रीडिंग हमारा यहाँ पे आया या फिर यहाँ पे आया या फिर यहाँ पे आया, तो हम क्या रीड करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है अंदर वाले जो दो, ये अब आप देख सकते हो कि जो अंदर वाले जो पार्ट है, राइट, अंदर आप देख सकते हैं कि 2 से 3 के बीच में भी पकड़ सकते हो कि ये जो 2 से 3 है, राइट, ये 2 से 3 के बीच में भी कितनी बड़ी बड़ी लाइन्स आ रही है। देखिए ये एक लाइन आ रही है, ये बड़ी लाइन है, ये बड़ी लाइन है, मतलब कितने पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट ये हो गया, देखिए मैं पार्ट कर देता हूँ, ये एक पार्ट हो गया, ये उसका दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, मतलब 4 पार्ट में डिवाइड है, राइट, और ये वाला चौथा, राइट। देखिए ये क्या है, ये 1 पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट और ये 4th पार्ट है, मतलब 4 पार्ट में डिवाइड है, राइट। अंदर वाला जो पोर्शन है वो भी कितने पार्ट में डिवाइड है, 4 पार्ट में डिवाइड है। तो उसको थोड़ा आसानी से मैं समझाता हूँ कि देखिए कि अगर आप यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना देता हूँ 2 से 3 का, ठीक है, इस तरह से है, यहाँ पे आप पकड़ लीजिए इसको, यहाँ पे 2 इंच है और ये है हमारा 3 इंच है, इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। देखिए ये 4 पार्ट हो गया, पर लाइंस कितनी बनेंगी, 3 लाइंस बनेंगी। तो इसको मैं 1 नंबर दे देता हूँ, इसको 2 नंबर और इसको 3 नंबर दे देता हूँ, राइट। तो ये वाला जो है इसको 1 नंबर, इसको देखिए इसको 1, इसको 2, इसको 3 नंबर दे देता हूँ। अगर आपका रीडिंग यहाँ पे कहीं पे आया, यहाँ पे, तो आप क्या रीड करेंगे, यहाँ पे आया तो आप रीड करेंगे 2 1/4 इंच, 2 और 1/4 इंच रीड करेंगे। बीच में आया तो 2 इंच और 1.5 इंच, मतलब 2.5 इंच हो गया। और अगर 3 पे आया तो हमें रीड करेंगे 2 3/4 इंच, राइट, इस तरह से हमें रीड करना है, राइट। देखिए बी यहाँ पे आया तो 2 1/4, 2 1/2 और 3/4 इंच, इस तरह से हमें रीड करना है। यहाँ पे अगर रीडिंग आया तो 2 1/4 इंच, 2 1/2 इंच और ये 2 3/4 इंच, राइट, इस तरह से हमें रीडिंग लेनी है, राइट। तो ये 0.25 आ जाएगा, इसको आप करेंगे तो 2.25 आ जाएगा, इसको हम रीड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, इसको हम रीड करेंगे 2.75 आ जाएगा, राइट। इस तरह से ये इंच में आप कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। तो इस तरह से हमें रीडिंग करना है। अब ये तो हो गया, चलो ये भी हो गया कि हमने ये जो पार्ट है अंदर के वो भी कवर कर लिए। और थोड़ा डीपली चलेंगे तो अंदर देखिए दोस्तों और पार्ट है, देखिए 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, उसके बाद 4 5 6 7 8 पार्ट है, राइट। तो इसको क्या रीड किया जाता है, तो अगर एक के बाद पहला ये जो पार्ट आया ये वाला, तो इसको बोला जाता है 1 सूट 2 सूट 3 सूट 4 सूट 5 सूट 6 सूट 7 सूट 8 सूट, मतलब 1 इंच और अगर 4 सूट है तो इसको 4 सूट लिखा जाएगा, राइट, इसको सुट्टा भी बोलते हैं कई बार, ठीक है। तो इस तरह से होता है, मतलब यहाँ पे देखिए 1 इंच और 2 सूट भी बोलेंगे, 3 सूट भी बोलेंगे, इस तरह से इसको सूट कहीं पे जगह पे मेजर किया जाता है, राइट। तो इस तरह से हम मेजर टेप को रीड करेंगे। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको मेजर करना है, राइट, अगर ये मेरे पास बुक है, ठीक है, अगर ये मेरे पास बुक है
तो इसको हम जब मेज़र करेंगे, हमें इसकी जो डायमेंशन है उसे मेज़र करना है, राइट। ये जो बुक है उसका डायमेंशन हमें क्या करना है, मेज़र करना है, राइट। ये वाली बुक है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से कभी नहीं मेज़र करना है, इसके ऊपर नहीं रखना है, राइट। इसके ऊपर नहीं रखना है, हमें इसके साथ ऐसे मैच करना है, वहीं से हमारा रीडिंग आएगा। और इस तरफ आपको जाना है, राइट, इस तरफ आपको जाना है। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं जूम कर दूँ, ठीक है, जूम करके आगे ले चलूँ, तो यहाँ पे अब दोनों में हम करेंगे, हम सेंटीमीटर इंच में भी मेज़र करेंगे और हम क्या करेंगे, और ऊपर ऊपर भी मेज़र करेंगे, नीचे वाला भी मेज़र करेंगे। देखिए यहाँ पे 200, देखिए 20 सेंटीमीटर मतलब 200 mm कंप्लीट हो गया। ये 210 mm, 210 के बाद तीन लाइन है, राइट, 210 के बाद तीन लाइन है। तो ये रीडिंग की, इसकी जो लेंथ कितनी आ गई, 210 के बाद तीन है, मतलब 213 mm या फिर 21.3 सेंटीमीटर, राइट। इस तरह से आप लिख सकते हो, राइट। ऊपर की साइड क्या है, 8 इंच कंप्लीट है, 8 के बाद क्या है, 8 के बाद हमारा कितना है, 8 के बाद देखिए यहाँ पे क्या है, 8 के बाद एक कंप्लीट है, ओके। तो हम इसको रीड करेंगे, 8 1/4 और कितना सूट है, एक सूट है, राइट। इस तरह से आप मेज़र कर सकते हैं, या फिर इसको आप राउंड फिगर दोस्तों 1/4 इंच भी ले सकते हो, राइट। तो इस तरह से दोस्तों रीडिंग यहाँ पे लिया जाता है, राइट। तो ये है, उसके बाद मैं आपको कुछ कैलकुलेशन देके जाता हूँ कि आप भी ट्राई करेंगे, कमेंट करेंगे, राइट। कुछ अगर आपको कन्फ्यूजन है आप भी चेक कर सकते हैं, आपको आप भी ये मेज़र टेप है वो रीड कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, वो मैं आपको चेक करके बता दूंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैं आपको टास्क दे रहा हूँ कि आपको ये वाला जो रीडिंग है, राइट, और एक बात रह गई कि देखिए यहाँ पे 1 फीट के बाद 1 and 1 फीट है, तो ये क्या है, 1 फीट और 1 इंच है, राइट। यहाँ पे ये जो रीडिंग है ये यहाँ वाला इंडिकेट कर रहा है, ये यहाँ वाला इंडिकेट, ये क्या है, देखिए 1 फीट मतलब 12 के बाद 13 इंच है, तो 1 फीट 1 इंच है, उसके बाद 1 फीट 2 इंच, 1 फीट 3 इंच, 1 फीट 4 इंच, 1 फीट 5 इंच, ये वाला जो है इसका इंडिकेशन है, ये याद रखना है आपको, राइट। उसके बाद 11 इंच, राइट, यहाँ पे क्या है, 23 पर क्या है, ये 11, और 24 इंच पे 2 लिख के आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये वाला जो है इसका इंडिकेशन है, ना कि ये जो लाइन है, ना कि ये जो लाइन है उसका इंडिकेशन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया, अब मैं आपको कुछ रीडिंग देता हूँ, आप मुझे कमेंट करना यहाँ पर क्या कितना इंचिस है, राइट, यहाँ पे आपको कमेंट करना है, ये डायमेंशन कितना है ये आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पे, राइट, ये देखिए 20 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ये देख लेना 20 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, राइट, 20 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ये आप ध्यान रखना है। और इस पे आपको कितना मतलब यहाँ इस साइड में आप 20 है, ये आप ध्यान लीजिए, इस साइड में जो है 20 है, राइट, 20 के बाद ये आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये वाला जो पोर्शन है, राइट, इसको कमेंट करना है, और ये जो पोर्शन है इसका कमेंट करना है, ये जो डायमेंशन है ये क्या है, मैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दूंगा, राइट। तो इसके लिए आपको कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, मुझे ज़रूर कमेंट करिए, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा।